साइबर क्राइम इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और अगर आपके फोन में खुदा ना खास्ता कहीं से कोई मेलवेयर आ गया या फिर कोई ऐसा किलॉगर आ गया जो आपके फोन की जानकारी कहीं और भेज रहा है, तो आपको पता चल पाना मुश्किल होता है। इनफैक्ट वो कोई ऐप की तरह नहीं होता है जो आपको पता चल गया कि ये ऐप है, ये आपका जो डेटा है वो चोरी करके किसी साइबर क्रिमिनल के पास भेज रहा है। बेसिकली ऐसा है कि आपको पता नहीं चलता है और आपकी जानकारी के बिना ही वो सारा आपका डेटा चोरी हो जाता है, और फिर कई बार आपको बहुत बड़ा लॉस भी होता है, ब्लैकमेलिंग या फिर अकाउंट से पैसे कटने से लेकर के आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो तक हैक हो जाते हैं। तो अब कुछ साइंस होते हैं, अब ये साइंस को आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कुछ साइंस चेक करते हैं, वाइटल्स चेक करते हैं कि आपका पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। कुछ अनयूजुअल उन्हें जब दिखता है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ भी आपको कुछ साइंस समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या फिर कोई मेलवेयर आया हुआ है फ़ोन में, या फिर कोई ऐसा कीलॉगर है जो आपकी जानकारी किसी और को सेंड कर रहा है रिमोटली। सबसे पहले आपको ये जब फ़ोन में कोई कीलॉगर या फिर कोई ऐसा मेलवेयर आता है तो फ़ोन काफ़ी अनयूजुअल रिस्पॉन्ड करता है कभी कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइन ये है कि कभी कभी आपके फ़ोन पे ऐसे ही प्रैंक कॉल्स आएंगी, उसके बाद क्या होगा कि आपका फ़ोन ओवरहीट करना शुरू कर देगा, बिना किसी ऐप ओपन हुए ही फ़ोन ओवरहीट होगा और डेटा कंज्यूम काफ़ी होने लगेगा। आप अगर डेटा कंजम्पशन वाले इस पे जाएंगे, हर जो टेलीकॉम कंपनी है उनका ऑप्शन होता है, वहाँ पे दिखता है ऐप में कि कितना डेटा कंज्यूम हुआ है, फ़ोन में भी एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि आपने वो डेटा यूज़ नहीं किया लेकिन डेटा कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है ये पता लगाने के लिए कि आपका जो डेटा है कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि डेटा ट्रांसफ़र होता है आपके फ़ोन पे, फॉर एग्जांपल जो मेलवेयर है आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है वो रिमोटली साइबर क्रिमिनल के पास भेजता है, तब वो जब जाता है तो उससे ऑफकोर्स जो डेटा है वो कंज्यूम होगा। तो अगर अननेसेसरी ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है तो ये भी एक साइन है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन होना, अगर आपका फ़ोन नया है या फिर आपको पता है कि आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब होनी नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन फिर भी आपकी फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो रही है ज़्यादा कोई ऐप्स ओपन नहीं होने के बावजूद भी, तो भी ये भी एक साइन है कि आपके फ़ोन में कोई मेलवेयर इंस्टॉल हो चुका है। एक चीज़ और भी होता है कि कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि आपका कैमरा जो है, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा अपने आप ओपन हो जा रहा है, तो ये भी एक साइन है कि आपके फोन में मेलवेयर या फिर कोई किलॉगर डला हुआ है। कॉलिंग के दौरान कुछ अनयूजुअल आपको साउंड सुनाई देगा, और अगर आप फोन को शट डाउन करेंगे तो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेगा शट डाउन होने में। तो ये कुछ साइंस हैं, अगर ये सब लगातार आपके फोन पे दिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका फोन हैक हो चुका है या कोई मेलवेयर है या फिर किलॉगर किसी ने इंस्टॉल कर दिया है। अब सवाल ये है कि आप इन सब चीजों से बच कैसे सकते हैं। इनके अलावा और भी साइंस हैं जो आपको केयरफुली देखना होगा, अगर देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा भी अनयूजुअल अगर फोन रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो वो साइन हो सकता है, इट कुड बी कि आपका फोन हैक हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि वो सब साइन हो तो इसका मतलब आपका फोन हैक ही हो गया हो। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करता है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी टेस्ट कराना पड़ता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि अच्छा मर्ज क्या है, तो सेम इसके साथ भी अप्लाई होता है। लेकिन अब इलाज कैसे करना है इसका, आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं अगर आपको पता चला कि आपकी बैटरी भी ड्रेन हो रही है, डेटा भी कंज्यूम हो रहा है, फ़ोन ओवरहीट भी हो रहा है, अनयूजुअल कुछ साउंड्स भी आ रहे हैं, कैमरा वैमरा भी खुद से ही ऑन हो जा रहा है। तो जब आपको लगने लगे कि बिल्कुल मेरा फ़ोन अब तो इतना सारा चीज़ दिख रहा है तो हो सकता है मेलवेयर हो या हैक हो गया हो, तो आप इसे डिटेक्ट करके डिलीट कैसे करें, तो मैं आपको बता दूँ, अनफॉर्चुनेटली वो जो मेलवेयर होते हैं वो डिटेक्ट आप खुद से नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अगर फ़ोन रूट किया हुआ नहीं है तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं उसमें जाकर के आप देखेंगे भी तो प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, तो उसमें जो मेलवेयर होते हैं उनका नाम ऐसा होता है जो कि इनबिल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल सर्विसेज, तो गूगल सर्विसेज के नाम से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मेलवेयर के होते हैं। अब आप ओपन करके जब प्रोसेस में देखेंगे तो देखेंगे कि गूगल सर्विसेज के हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसको तो नहीं ही आप एंड करेंगे क्योंकि वो मैंडेटरी है। अब सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसका इसे मेलवेयर या फिर किलॉगर हटाने के लिए, मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये कि आपको फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट करना है कम्प्लीटली। क्योंकि आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च करेंगे हाउ टू रिमूव मेलवेयर, तो बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे कि आप ऐसे हटा सकते हैं।
बट मेरा मानना है कि इस तरीके से वो आप मेलवेयर को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ परमिशन रह जाती है। हो सकता है कि बहुत सारे 50-60% आप रिमूव करने में मतलब रिमूव कर भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो रह जाता है फ़ोन में जो आपकी डिटेल्स भेज रहा होता है। तो आपको इतने सारे साइंस अगर दिखते हैं तो मैं बोलूँगा कि डेटा को बैकअप कर लें अपने दूसरे फ़ोन पे या फिर पेन ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे, लैपटॉप पे, कहीं भी डेटा बैकअप करें। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, और उसके बाद फ़ोन को क्लीन, जो फैक्ट्री रिसेट कहते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर लें और फिर से सेटअप करके फिर सारे जो ऐप्स वगैरह हैं वो इंस्टॉल कर लें, फिर यूज़ करना शुरू करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज अगर ये सब आप टिप्स ट्रिक्स देख करके गूगल पे अगर रिमूव करने के चक्कर में पड़ेंगे तो मैं बताता हूँ कि वो मेलवेयर आपके फ़ोन पर रह जाएगा और उसके बाद भी आपकी डिटेल्स लीक हो जाएंगी। तो आप भी हमें कमेंट बताएं, आपके साथ भी अगर ऐसा कोई आपके फ़ोन पे ऐसा साइन दिख रहा है या फिर पहले पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।